हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट्स पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक ड्राई फ्रूट पैकिंग करेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही सुंदर बनेगी ड्राई फ्रूट पैकिंग। तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आज जो हम आरती प्लेट बनाएंगे, देखिए उसके लिए हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज किया है। बड़े बड़े देखिए इस तरह के सनफ्लावर रेडीमेड मिलते हैं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह के देखिए पिलर्स जो होते हैं वो भी बहुत मिलते हैं आसानी से। और एक ये मेटल की प्लेट है, ये मेटल प्लेट हमने इसमें इस्तेमाल की है। और हमने स्टील की थाली ली है जिस पर हमने पेंट किया हुआ है। इसे पेंट कैसे करते हैं ये आप हमारे वीडियो नंबर 20 में आसानी से देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि थाली को कैसे पेंट किया जाता है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो फ्लावर्स है इसे लेंगे हम और प्लेट में अरेंज कर देंगे। हमारी सब फ्लावर्स को हमने कॉर्नर पे लगाना है। ये देखिए इस तरह से सारे फ्लावर अरेंज हो गए हमारे। इसे हम सबसे पहले चिपका देंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है थाली बनाने का। देखिए इसमें आप फ्रेश फ्लावर्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में फ्रेश फ्लावर्स हैं तो इस तरह से आप फ्रेश फ्लावर्स से बनाइए, बहुत सुंदर थाली बनेगी। इस तरीके से हम सारे फ्लावर्स इस पर चिपका देंगे। फ्लावर्स चिपकाने के बाद में देखिए इस तरह से हम इसके छोटे छोटे दो फिलर को हमने एक साथ ज्वाइन कर लिया है और इसे हम इस तरीके से फ्लावर के कॉर्नर पर अरेंज करेंगे, दो फ्लावर के बीच में हम अरेंज करेंगे। और इसे भी हम चिपका देंगे। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, अगर आप प्लेट का कलर कुछ और ले रहे तो फ्लावर का कलर भी आपको उसके हिसाब से कॉन्ट्रास्ट में रखना होगा, नहीं तो थाली की शो नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से हम सारे फिलर्स को दो फ्लावर के बीच में चिपका देंगे और जो हमारी मेटल प्लेट है उसे हम सेंटर पर चिपका देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा सब चिपका कर प्लेट रेडी हो गई, बीच में हमने ये मेटल प्लेट भी लगा दिया। देखिए अगर आपको इस तरह की मेटल प्लेट नहीं मिल रही है तो यहाँ आप मिरर का पूरा सर्कल बना सकते हैं, या स्टोन से आपको बॉर्डर दे सकते हैं, या मोती से आप डबल ट्रिपल बॉर्डर दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर आपको मेटल प्लेट नहीं मिले तो आप दूसरी तरह से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास प्लेट थी इसलिए मैंने प्लेट लगाई है इस पर। और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से देखिए कितनी सुंदर थाली हमारी तैयार हो गई है। चाहे इसे आप फ्रेश फ्लावर से सजाएं, चाहे आर्टिफिशियल फ्लावर से सजाएं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ आने वाले के, तब तक के लिए बाय।